युधिष्ठिर बोले, पोष कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका क्या नाम है, क्या विधि है और किस देवता का पूजन होता है? हे जनार्दन, ये मुझसे विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, आपके स्नेह के कारण मैं कहता हूँ, पोष कृष्ण पक्ष में जो द्वादशी युक्त एकादशी होती है उसकी विधि लोक हित के लिए मैं तुमसे कहूँगा। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इसके आदि देव नारायण भगवान हैं। विधि पूर्वक उनका पूजन करना चाहिए। हे राजन, जो सदा एकादशी व्रत करते हैं वे सर्वथा मेरे प्रिय हैं। अब सफला एकादशी पूजन की विधि भी सुन लो। व्रत के दिन अच्छे ऋतु फलों से मेरा पूजन करें। सफला में दीप दान विशेष उत्तम माना गया है। रात्रि में विधि पूर्वक दीप दान करना चाहिए। जब तक नेत्र खुले रहें तब एकाग्र चित्त से रात्रि में जो जागरण करे उसके पुण्य का फल सुनो। हे राजन, उसके समान न तो यज्ञ है, न तीर्थ, न संसार में कोई व्रत है। 5000 वर्ष तपस्या करने से जो फल मिलता है वह सफला एकादशी के व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब सुनो। महिष्मत राजा की चंपावती नाम की प्रसिद्ध पुरी थी। राजा के 4 पुत्र थे। उनमें लुम्पक नामक बड़ा लड़का बड़ा पापी था। वह पर स्त्रीगामी, जुआरी और वेश्यागामी था। राजा ने पुत्र को ऐसी दशा देखकर राज्य से निकाल दिया। तब लुम्पक मन से सोचने लगा कि पिता और बंधुओं ने मुझको त्याग दिया है, अब मुझको क्या करना चाहिए। इस प्रकार चिंता करते हुए उसने विचार किया कि मैं दिन में वन में चला जाऊंगा, फिर रात को वन से आकर पुरी में रहूंगा। यह विचार कर वह वन में चला गया। नित्य जीव हिंसा और चोरी करता था। वहां अति प्राचीन पीपल का पेड़ था। उस वन में उस वृक्ष को देवता की तरह मानते थे। उसी स्थान पर वह पापी लुम्पक रहता था। निंदित और दुष्कर्म करते हुए उसको पोष कृष्ण सफला एकादशी का दिन आया। हे राजन, दशमी की रात्रि को वस्त्रहीन होने के कारण शीत से पीड़ित होकर बेहोश हो गया। शीत के कारण पीपल के नीचे उसको नींद नहीं आई और मृतक के समान हो गया। दांतों को कटकटाते हुए रात बीत गई। सूर्योदय होने पर भी उसको होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन लुम्पक बेहोश पड़ा रहा। जब मध्या हुआ तब उसको होश आया। चैतन्य होने के थोड़ी देर बाद वह अपने आसन से उठा और वह पग पग पर गिरता पड़ता लंगड़े की तरह चलने लगा। वह भूख प्यास से पीड़ित होकर वन में गया। उस दुष्ट लुम्पक को जीव हिंसा की शक्ति नहीं रही। जो फल भूमि पर पड़े हुए थे उनको उठाकर लाया। जब तक वह आया सूर्य अस्त हो गया। हे तात, अब क्या होगा, ऐसा कहकर दुखी होकर विलाप करने लगा। वे सब फल पेड़ के नीचे रख दिए। रात में उसको नींद नहीं आई, इससे उसके जागरण हो गया। मधुसूदन, भगवान ने उन फलों का पूजन और सफला एकादशी का व्रत स्वीकार कर लिया। इस प्रकार लुम्पक ने अकस्मात व्रत कर लिया। इस व्रत के प्रभाव से भगवान प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई। सूर्य के उदय होने पर पिता के पास जाकर निष्ठक राज्य का उपभोग करो। भगवान की कृपा से वह दिव्य रूप हो गया। सुंदर आभूषणों को धारण कर पिता के पास पहुंचा। उसको देखकर पिता ने निष्कंटक राज्य दे दिया। उसने बहुत वर्षों तक राज्य किया। एकादशी के दिन वह भगवान की भक्ति में लीन रहने लगा। वृद्धावस्था प्राप्त होने पर पुत्र को राजगद्दी देकर वन को चला गया। इस प्रकार से जो सफला एकादशी का व्रत करते हैं वे इस लोक में यश लेकर निस